गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के समझ आ गया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो जी हाँ, कुछ दिन से मैं अपने फेस पे हनी अप्लाई कर रही थी और सिर्फ हनी अप्लाई कर रही थी, उसके साथ और मैंने कुछ भी मिक्स नहीं किया। तो हनी को अप्लाई करके मेरे स्किन पे क्या इम्प्रूवमेंट हुआ और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हनी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, मेरे स्किन पे क्या क्या चेंजेस नज़र आए, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप भी हनी के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, शहद के बेनिफिट्स जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर ज़रूर देखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हनी के बेनिफिट्स की बात करूँ तो हनी में एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये एक्ने पिंपल को उससे फाइट करता है, ब्लैकहेड्स वाइट हेड्स को दूर करता है, ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं, जिससे कि ये कोलेजन को बूस्ट करता है, स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन टोन पे काफ़ी फ़र्क नज़र आएगा, आपकी स्किन के टेक्सचर को ये काफ़ी इम्प्रूव करेगा। ये स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है, मॉइस्चराइज करता है, तो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। साथ ही साथ ये एक्सफोलिएशन का भी काम करता है, स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, स्किन को ग्लोइंग बनाता है और स्किन को हेल्दी बनाता है। तो अभी रेगुलर 7 डेज से मैं अपने फेस पे हनी अप्लाई कर रही थी, और जो ऑर्गेनिक हनी होता है वो अप्लाई कर रही थी। मार्केट वाला हनी मैंने यूज़ नहीं किया, तो ईज़िली अवेलेबल रहता है ऑर्गेनिक हनी। और अगर आप मार्केट वाला हनी यूज़ करते हैं तो जो भी आप उसको यूज़ करते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा आपको सूट करता है, कौन सा अच्छा है। जैसे मैंने डाबर का यूज़ किया है, पतंजलि का मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो आप जो यूज़ करते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर ऑर्गेनिक हनी हो तो उससे अच्छा काम कोई हनी नहीं कर सकता। अब जान लेते हैं कि आपको हनी कब यूज़ करना चाहिए। आपको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम हो, चाहे किसी भी टाइप के आपको पिंपल एक्ने हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर आपके स्किन पे दाग धब्बे हैं और पिगमेंटेशन है, जैसे लिप्स के पास पिगमेंटेशन हो जाता है, फॉरहेड पे पिगमेंटेशन हो जाता है, अनइवन स्किन टोन है, रिंकल्स का प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेटेड है स्किन, डल है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं करती है, आप एक दो शेड अगर अपनी स्किन को लाइटन करना चाहते हैं तब भी आप हनी का यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहते हैं तो हनी को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करें, क्योंकि इसके ऐसा नहीं है कि एक रात में ही आप गोरे हो जाओगे, एक रात में ही आपके पिंपल ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो आपके स्किन की जो प्रॉब्लम है उस पर डिपेंड करता है। तो ये फर्स्ट डे का क्लिप है जब मैंने अपने फेस पर हनी लगाना शुरू किया था, क्योंकि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ तो मेरे फेस पे कभी कभी छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो अभी छोटे छोटे दाने हो गए थे, स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही थी, तो इसलिए मैंने हनी लगाना शुरू किया। तो जैसे ही फर्स्ट डे मैंने हनी लगाया तो फर्स्ट डे तो कुछ चेंजेस नज़र नहीं आए, पर जैसे ही फेस वॉश किया तो स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रही थी। मतलब फेस वॉश करने के बाद आपको स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगती है, आपको मॉइस्चराइज़र लगाने की ज़रूरत भी नहीं होती है, इतने अच्छे से आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। सेकेंड डे भी स्किन बड़ी सॉफ्ट लग रही थी, हाइड्रेटेड लग रही थी, और जो भी पिंपल हुए थे वो रेडनेस बिल्कुल ही जा चुकी थी, बिल्कुल भी रेडनेस मेरे फेस पे नहीं थी। तो ये थर्ड डे के क्लिप्स हैं जो आप देख रहे हो। थर्ड डे जब मैंने अपने स्किन पे इसको अप्लाई किया तो स्किन बहुत ज़्यादा ग्लोइंग लग रही थी और पिंपल का जो साइज़ है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया था। वैसे तो बहुत बड़े पिंपल थे नहीं, पर जो भी थे वो थोड़े उनकी साइज़ थोड़ी सी कम लग रही थी, स्किन ग्लोइंग लग रही थी और स्किन टोन पे काफ़ी फ़र्क आपको नज़र आया। फिफ्थ डे के क्लिप्स हैं जिसमें कि जो भी दाने हैं वो बिल्कुल गायब हो गए और स्कार्स कम नहीं हुए, पर थोड़े से आपको लाइट नज़र आएंगे, स्किन टोन बहुत इवन लगेगा, स्किन ग्लो करेगी और बहुत ज़्यादा फ्रेश नज़र आएगी। तो ये 7th डे है और काफ़ी पिगमेंटेशन को इसने सही किया, छोटे छोटे दाने ठीक किए, स्कार्स ठीक किए, और अभी आप फाइनल रिजल्ट्स देख सकते हो, चेहरा बहुत ज़्यादा ग्लोइंग है, क्लियर है। और उसको लगाने के बाद आपको सिर्फ नॉर्मल पानी से ही वॉश करना है, फेस वॉश यूज़ नहीं करना है, फेस वॉश यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और अगर आपको सिस्टिक एक्ने पिंपल हैं तो मसाज करके नहीं लगाना है, अगर आपकी स्किन पे दाने नहीं हैं तो आप इसको मसाज करके लगा सकते हो, पर अगर आपके स्किन पे कुछ दाने हैं, पिंपल्स हैं, तब आप इसको कॉटन से हल्के हल्के हाथों से लगाइए, बिल्कुल भी रब नहीं करना है।
हनी आयुर्वेदा में मेडिसिन की तरह यूज़ की जाती है, हर घर में भी यूज़ की जाती है। जब सर्दी खांसी हो जाती है तो हम तुरंत ही हनी लेते हैं। तो हनी के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स हैं, हेयर बेनिफिट्स हैं, और हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बहुत सारे हेयर केयर प्रोडक्ट्स, स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है, हर घर में इजिली मिल जाती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ज़रूर यूज़ करके देखो। बहुत सारे लोग इसको यूज़ इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा चिपचिप करती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है। तो सच में स्टिकी तो होती है, थोड़ा लगाना मुश्किल हो जाता है कभी कभी, पर अगर आप इसको आधा घंटे भी लगा के रखते हैं ना दिन में, तो बहुत अच्छा काम करेगी। तो इसको कितना देर लगा के रखना है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। अब 10-15 मिनट लगा के रखोगे तो कुछ भी असर नहीं करेगी, कम से कम आधा घंटे लगा के तो रखना ही है। इससे ज़्यादा भी आप इसको लगा के रखते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब भी आप फ्री होते हो, कुकिंग कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, आपके पास टाइम है आधा एक घंटे का, तो तब आप इसको अप्लाई करके अपने फेस पर रख सकते हैं। तो स्टार्टिंग में आप रेगुलर यूज़ करो, कम से कम 1 वीक तक करो, और हो सके तो 10-15 दिन तक भी आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। और फिर आप वीक में 3 दिन कर दीजिए, फिर 2 दिन कर दीजिए। तो धीरे धीरे इसका यूज़, इसको अप्लाई करना आप कम करते जाइए जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाए। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई करो, और जो भी रिजल्ट्स आपको मिलते हैं मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, और रिजल्ट पक्का मिलेंगे। एक बार यूज़ करके तो देखो। आज का ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। तो हम मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।